आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मकर संक्रांति के नजदीक आते ही शहर भर में पतंगबाजी का उत्साह नजर आने लगा है। शहर के मुख्य मार्गों पर पतंगों की दुकान सजकर तैयार है, लेकिन शहर की कई दुकानों पर चोरी छिपे चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है, जिसको देखते हुए मुखबिर से सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने ग्राहक बंद कर पत्ती बाजार क्षेत्र से बड़ी संख्या में चाइना मांझे के गट्टे बरामद किए हैं। शहर के पत्ती बाजार में रहने वाले शाहरुख उर्फ जब्बार द्वारा कई दिनों से चाइनीज मांझा बेचा जा रहा था, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को लगी तो पुलिस के जवान यहाँ ग्राहक बनकर पहुंचे और आरोपी युवक से 16 चाइनीज मांझे के गट्टे बरामद किए और 188 के तहत आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया है। इधर रविवार शाम को हरसोला निवासी भेरूलाल मुकाती उम्र 70 साल अपने खेत से मजदूर को बैठाकर घर की ओर जा रहा था, तभी बीच रोड पर चाइनीज मांझे में बुजुर्ग की गर्दन उलझ गई और उसका गला कट गया। इस दौरान बुजुर्ग को 6 टाके आए हैं, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। कोतवाली TI महेंद्र सिंह भदौरिया का कहना है कि पुलिस जवान सिविल में पतंगों की दुकान पर जाकर चेक कर रहे हैं, अगर अवैध रूप से चाइनीज मांझा बेचता हुआ कोई पाया गया तो उचित कार्यवाही की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार बाज़ार में खबरें आ रही थी कि चोरी छुपे कुछ लोग चाइना मांझा जो शासन द्वारा प्रतिबंधित है उसका क्रय विक्रय उसको पतंग उड़ाने के लिए बेच रहे हैं बाज़ार में। इस सूचना पर हमारे सूचना तंत्र को सक्रिय किया गया, थाने बल द्वारा लगाया गया और मुखबिर की सूचना पर पत्ती बाजार से शाहरुख को पकड़ा है। उसके कब्जे से 16 रील चाइनीज मांझा पकड़ा गया है और इससे पूछताछ करके शहर में अन्य लोगों की भी जानकारी उठाई जा रही है। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है? चाइना मांझा जैसे मिलता है तो इंदौर उज्जैन में कई जगह रासुका लगी है, तो अपन ने यहाँ पे उस पर क्या कार्रवाई की है? अपन ने उसके खिलाफ अभी प्रकरण दर्ज किया है और उसका प्रतिवेदन बना के वरिष्ठ कार्यालय और SDM साहब को भेजा जा रहा है और आगे उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।